नमस्कार दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फाइल्स या फिर फोल्डर को अपने विंडोज सिस्टम पे हाइड कर सकते हैं, यानी कि आसानी से इसे गायब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे फॉलो और नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो उसे करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रोजाना इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा उस फोल्डर को। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसे मैं हाइड करूँगा। एक ये हाउ टू हाइड लिख के रखा है, ये फाइल है और ये अपना फोल्डर है, इसे मैं आपको हाइड करके बताऊँगा। तो पहले मैं इधर पे फाइल को हाइड करूँगा, तो इसके लिए आपको इधर पे राइट क्लिक करना पड़ेगा इसको सेलेक्ट करके, और उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ पे आप देख सकते हैं रीड ओनली और हिडन दोनों ही आपको इधर पे अनचेक मिलेगा, तो आपको इधर हिडन पे चेक करना है और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी ये शो हो रहा है, और इस फाइल के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं था, मैंने बस इसे क्रिएट किया था टेक्स्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसे हाइड कैसे करें। तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोल्डर ऑप्शंस पे जाना है। फोल्डर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जनरल व्यू और सर्च। तो आपको व्यू पे जाना है और यहाँ पे आपका हो सकता है आपका शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स पे इधर पे आपका ये मार्क हो, तो आपको यहाँ से हटा के इधर डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको अप्लाई और ओके कर देना है। और अब आप देख सकते हैं हाउ टू हाइड के अंदर यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि वो फाइल हिडन हो चुकी है। और दोस्तों, इसी की तरह से आपको अगर फोल्डर को भी हाइड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। फोल्डर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है फोल्डर की, उसी तरीके से जैसे ही आपने फाइल को हाइड किया था उसी तरीके से आपको इसे भी हाइड करना है। तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा हिडन पे, तो फोल्डर की जो एट्रीब्यूट्स है वो हिडन हो जाएगी। तो इसके बाद आपको अप्लाई करनी है, अप्लाई चेंजेस टू फोल्डर सब फोल्डर्स, आपको आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर सब फोल्डर्स एंड फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे एक और ओके कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये फोल्डर हाइड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह से आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में। मैं हूँ सुमित डेरा, टेक केयर फॉर यू।